फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत सारी महिलाएं, 10 में से 8 महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पेट पे बहुत ज़्यादा चर्बी होती है। अब पेट की चर्बी आपको कैसे कम करना है, इसके कुछ घरेलू और बहुत सरल उपाय हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत आसानी से आप घर पर कर पाएंगी और आपके पेट की चर्बी बहुत आसानी से पिघलने लग जाएगी। नंबर वन फ्रेंड, जैसे ही आप सुबह उठती हैं वैसे ही आप गुनगुना पानी एक गिलास, जिसमें आप हाफ टेबल स्पून ऑफ हनी यानी शहद का आधा चम्मच एक छोटे चम्मच से मिला लीजिए। इस गुनगुने पानी में आप अगर स्वाद के अनुसार नींबू मिलाना चाहें तो उसके भी कुछ ड्रॉप्स डाल सकती हैं। इनको अच्छे से मिला करके और एक गिलास गुनगुना पानी आप डेली सुबह पीना चालू कर दीजिए। इसके अलावा दूसरा स्टेप कि कभी भी आपको सुबह का नाश्ता बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। महिलाओं की अक्सर ये परेशानी होती है कि सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा आपको घर का काम रहता है, इस चक्कर में भूल जाती हैं लेना। लेकिन सुबह का नाश्ता आपका सबसे ज़्यादा हेवी मील होना चाहिए, जैसा कि आप दोपहर में लंच के टाइम पे खाना खाते हैं। सुबह का आपका नाश्ता सबसे ज़्यादा हेवी होना चाहिए, इसमें आप पराठे भी खा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ टिप नंबर थर्ड, पेट की चर्बी घटाने के लिए आपको वो सारे एक्सरसाइज करने होंगे जो आपके पेल्विक मसल्स, पेट के मसल्स को बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल करें और उस पर प्रेशर दे पाए। तो इसके लिए वॉकिंग नंबर वन सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। दूसरी एक्सरसाइज स्क्वाट होती है, उठक बैठक करना या फिर पोंछा लगाना। तीसरी एक्सरसाइज होती है कैंची एक्सरसाइज। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप ये सारे एक्सरसाइजेस को, बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि ज़्यादा करने से जल्दी चला जाएगा पेट का चर्बी, तो ऐसा नहीं है। ये सारे एक्सरसाइजेस की हैबिट आपको धीरे धीरे अपने आप पे डालनी पड़ेगी, क्योंकि हर महिला की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, क्षमता अलग अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। तो ये एक्सरसाइजेस आपको डेली रूटीन में धीरे धीरे कर करके इसका टाइम आपको बढ़ा देना है। नंबर फोर, पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पीना है। इसका मतलब आपको दिन भर में 10 गिलास पानी पीना है। अब इसके लिए आप चाहें तो हर 2 घंटे पे अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लें, ताकि वो याद दिलाता रहे कि आपको पानी का सेवन करते रहना है। पानी अच्छे से पिएंगे तो पेट आपका भरा भरा महसूस होगा और इसी के साथ साथ पेट में जितनी अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर चली जाएगी। या शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पाँचवीं और ज़रूरी बात कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आहार में साग सब्जियों को या फिर सैलेड को लेके आना है। बहुत बार हम सलाद वगैरह नहीं खाते हैं, डायरेक्ट रोटी या फिर सब्जी या फिर आप चावल दाल खाना चालू कर देते हैं। लेकिन कोशिश करें कि हर मील को लेने से पहले आप सलाद का कुछ भी क्वांटिटी रखें और उसको पहले खा लें। इससे आपका पेट आधा बढ़ जाएगा और फिर बाद में जो आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, जो कि आपको रोटी में और चावल में मिलता है, वो आप कम ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपका फैट ऑलरेडी घटने लग जाएगा। इसके अलावा टिप नंबर 6, कभी भी आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। आपको आराम आराम से खाना है, चबा चबा करके खाना है, कभी भी बहुत ज़्यादा खाना एक साथ नहीं खाना। टिप नंबर 7 फ्रेंड्स, आपको नाइट में खाना खाना बंद करना होगा। इट मींस आप या तो 6 बजे तक या 7 बजे तक अपनी लास्ट मील को कंप्लीट कर लीजिए। हमेशा रात में जो खाना आप लेते हैं, शाम के समय का भोजन, वो हल्का होना चाहिए। इसमें आप दलिया, खिचड़ी, स्प्राउट्स ऐसे ही कुछ आहारों का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, बिकॉज इसमें बहुत लो ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है। यह आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी देती है, एनर्जी उतनी ही रहती है जितनी कि आपको नॉर्मल खाने से मिलती है, और ये आपका पेट भी जल्दी भर देता है और लंबे समय तक के लिए भरा रहता है। शाम का खाना अगर आप 6-7 बजे तक कंप्लीट कर लेती हैं तो इससे भी पेट की चर्बी को घटने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और इससे आपके पाचन क्रिया भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। नंबर 8, ऑलवेज आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। कई बार हम बहुत ज़्यादा सारे उपाय कर लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी फैट ठीक तरीके से नहीं जा पाता है। तो कभी भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। नंबर 9 कि ऑलवेज आपको नींद पूरी लेनी चाहिए 8 आवर्स की। अगर आपकी नींद कम होगी तो इससे भी आपका तनाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको चर्बी घटाने में और भी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इससे आपका शरीर का फंक्शन बिगड़ जाता है, आपके हार्मोन की स्थिति भी खराब हो जाती है। और फ्रेंड्स, टिप नंबर 10, ऑलवेज आप पेट का मसाज करना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल से यानी नारियल के तेल से हमेशा सर्कुलर मोशन में 15 मिनट तक अपने पेट की मालिश कर सकते हैं। ऐसा आप डेली कर सकते हैं। पेट की मालिश करने के बाद आप एक
गर्म पानी से भिगोया हुआ कपड़ा ले लें, सूती कपड़ा, वो अपने पेट पे डालें और 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। ऐसा करने से भी पेट की चर्बी बहुत जल्दी से घटने लगती है। अगर आप ये सारे ऑप्शंस को ट्राई करती हैं तो आप खुद भी अपने आप में बदलाव महसूस कर सकती हैं। और ऐसे ही रोचक वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ जुड़ के रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ सवाल मुझसे पूछने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि उसके जल्द से जल्द मैं आंसर देने की भी कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।